हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नीलकमल वार्ष्णेय, नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भाई, दीपावली आने में 2-3 दिन बचे हैं और घर में सफाइयाँ लगभग सबकी हो चुकी है, तो मैं आपको बताऊँगी कि आपकी सफाई में क्या क्या निकला और आप उनसे क्या क्या कर सकते हैं। आप अपने सामान को कबाड़ समझ कर फेंकिएगा नहीं, बहुत ज़्यादा काम में भी वो आ सकते हैं। तो देखिए, ये निकली है सफाई में पुरानी पायलें। जब खरीदी थी बहुत ही सुंदर थी, बहुत अच्छी इनकी पॉलिश थी, लेकिन अब ये चूँकि पुरानी पड़ चुकी है तो इनको फेंकने का मन नहीं हुआ, क्योंकि इनकी आवाज़ इतनी मधुर है कि जब इनको पहन के अभी भी चलो तो अभी भी छन 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 आवाज़ आती है। तो मैं आपको बताऊँगी कि आप अपनी पुरानी पायलों का क्या इस्तेमाल कर सकती हैं, तो इनको मत फेंकिएगा। ये बहुत ही अच्छा सा मैं टिप्स बताऊँगी जो कि आपकी बहुत ज़्यादा काम में आएगा और दीपावली पर आपके घर की सुंदरता को भी बढ़ाएगा। तो इसके लिए चाहिए मुझे एक सेफ्टी पिन। देखिए, ये हमारा मेन डोर का पर्दा है जो कि जब हम अंदर आते हैं तो पर्दे को हटा के ही आते हैं। तो जब हम पर्दा हटाते हैं तो कभी कभी हम विंड चाइम टांगते हैं तो उसकी आवाज़ बड़ी छन छन बजती है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो आपका ये काम जो है अब पायल करेगी, तो ये बहुत ही बजनी और इसकी छम 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 इसकी आवाज़ बहुत ही खूबसूरत है इस पायल की। तो देखिए, ये जो मेरा पर्दा है, एक दिन में हम कई बार बाहर जाते हैं अंदर आते हैं, तो देखिए एक साइड में पर्दे की मतलब नीचे की तरफ एक साइड में आप इस पायल को लगा दीजिए। तो देखिए, एक साइड में ये हुक बना हुआ है, तो हुक में ये जो पर्दे की सिलाई है उसमें इस तरह से इसको फंसा देंगे और दूसरी साइड में चूँकि पेज गोल होता है तो उसमें हम पिन लगा देंगे। तो दूसरी साइड में मैंने सेफ्टी पिन लगा दी। इस तरह से आपकी पायल जो है पर्दे में फिट हो जाएगी। तो आप जब भी पर्दे को हटाकर एंट्री करेंगे एकदम छन छन आवाज़ आएगी, या बाहर जाएंगे कोई भी आपके गेस्ट आएगा तो बहुत ही बढ़िया इसकी आवाज़ लगती है, जैसे लग रहा है कि कोई घुंघरू बजाता हुआ आ रहा है। तो इतनी अच्छी इस पायल की आवाज़ है कि मैंने इसको अपने पर्दे में टांग दिया। तो जब भी पर्दा हटा के अंदर आते एकदम छन छन छम आवाज़ होती है, जब हम बाहर जाते तो बहुत ही सुंदर घंटियों की ऐसी मधुर आवाज़ होती है कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मैंने इस पर्दे में अपने ये पायल लगा दिए जिसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी हो गई है और जब भी हम पर्दा हटाते हैं अंदर आते हैं तो बहुत ही अच्छी सी घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। तो विंड चाइम टांगने की आपको ज़रूरत ही नहीं, आप इस तरह से अपनी पुरानी पायल को जिनमें बहुत ज़्यादा घुंघरू बजे हुए हैं आप इस तरह से उनको टांग सकती है। देखिए, ये खिड़की है, खिड़की के पर्दे हैं और दो पर्दे हैं, तो दोनों पर्दों पर मैं एक एक पायल को इस तरह से टांग दूंगी। तो जब पर्दे आप हटाएंगी या हवा चलेगी, हवा चलने से ये पायल भी धीरे धीरे छन छन करके बजेंगी तो बहुत ही अच्छी इसकी आवाज़ आएगी और इस तरह से आपके घर में एक नेगेटिव ऊर्जा बाहर चली जाएगी, पॉजिटिव ऊर्जा रहेगी, क्योंकि जो घुंघरू की आवाज़ होती है बहुत ही अच्छी लगती है सुनने में और मधुर आवाज़ होती है। धीमे धीमे जब पर्दे हिलते हैं तो धीमे धीमे घुंघरू की आवाज़ आती है। तो इस तरह से मैंने अपने लगभग हर खिड़की में इस तरह से अपनी पुरानी पायल को बांध दिया है और जो मेरे जो दरवाजे जिनसे हम लोग बार बार बाहर जाते हैं अंदर आते हैं उस दरवाजे के पर्दे पर भी मैंने इस तरह से पायल को टांग दिया। तो देखिए, जब मैं खिड़की को हटा रही थी एकदम टन टन घुंघरू की बहुत ही अच्छी सी आवाज़ आ रही थी। तो आप इस तरह से अपनी पुरानी पायलों को मत फेंकिएगा, आप इस तरह से अपने पर्दे पर उसको टांग दीजिएगा। देखने में इतनी अच्छी लग रही है कि जैसे ही आप खिड़की से इस पर्दे को हटाएंगी तो बहुत ही सुंदर सी ये पायलों की आवाज़ लग रही है। तो कभी भी पुरानी पायलों को पुराना समझ के मत फेंकिएगा, उनको आप इस तरह से अपने पर्दे में टांग कर दोबारा से उपयोग में ला सकती हैं और दीपावली पर एक खुशनुमा माहौल बना सकती हैं। तो आपको ये टिप्स कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, देखिए घर में जब सफाई की, बहुत सारी पॉलीथीन घर में निकली, कितना भी सामान लेने के लिए आप बजाज थैला लेकर जाओ लेकिन फिर भी पॉलीथीन में सामान आ ही जाता है और इतनी सारी पॉलीथीन इकट्ठी हो जाती है कि समझ में नहीं आता इनको फेंकने, कई बार तो कूड़ेदान में इनको फेंक भी देते हैं। तो मैं बताऊंगी, अगर आपको पॉलीथीन को इकट्ठा करके रखना है तो आप किस तरह से इनको इकट्ठा करके रख सकते हैं कि आपके घर में ये ना लगे कि कूड़े की तरह हमारे घर में पॉलीथीन भरी हुई है। तो सबसे पहले हम पॉलीथीन को इस तरह से सीधा कर लेंगे और इनको धीरे धीरे पतला सा इस तरह से मोड़ लेंगे, जैसे मैंने मोड़ा है ना, इस तरह से आप अपनी पॉलीथीन को मोड़ लीजिएगा और मोड़ने के बाद सारी पॉलीथीन जो आपकी है उनको आप इसी तरह से मोड़ लीजिएगा। तो देखिए, मेरे पास ये 7-8 पॉलीथीन थी जिनको मैंने इस तरह से पहले सीधा किया है और सीधा करने के बाद इनको मोड़ दिया। और मोड़ने के बाद मैं बताऊंगी कि आप अपनी इन पॉलीथीन को किस तरह से रख सकते हैं कि आपके घर में इधर उधर फैली हुई दिखाई ना दे। वैसे तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप जब भी मार्केट जाएँ तो आप कपड़े का थैला लेकर आएँ, जैसे कि हम पॉलीथीन का उपयोग कम कर सकें, क्योंकि पॉलीथीन जो होती है हमारे वातावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक। तो देखिए, इस तरह से मैंने 7-8 जो पॉलीथीन थी इनकी इस तरह से पतली पतली लेयर जैसी बना के इनको तय कर दिया। अब एक हम प्लास्टिक का बॉक्स लेंगे, ये जो बॉक्स होता है जिसमें
हमारे यहाँ मीठा आता है या कोई भी सामान आता है इनको भी हम फेंक देते हैं, लेकिन इसमें हम रखेंगे पॉलीथीन। तो ये जो भी ऊपर का इसका जो ढक्कन है, इस पर मैंने एक छोटा सा गिलास रखकर गोल गोल निशान लगा दिया, और निशान लगाने के बाद इसको मैंने कैंची से काट लिया। चूँकि इसकी प्लास्टिक बहुत हल्की होती है तो ये कैंची से बहुत आराम से कट गया है। इसके बाद हम इसको बताएंगे कि आप इस कटे हुए यानी कि जो मैंने निशान बनाया गोल, उससे आप पॉलीथीन को किस तरह से रख सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पॉलीथीन को इस तरह से लंबाई में लेंगे, और ये जो इसका आगे का जो हिस्सा है ना, इसको थोड़ा सा छोड़ते हुए हम इस तरह से इसको मोड़ देंगे। जैसे मैंने मोड़ा ना, इस तरह से हल्का सा तिरछा आप इसको मोड़ दीजिएगा, और मोड़ने के बाद आप इसको इस तरह से पूरा धीरे धीरे इसको लपेट दीजिएगा। जैसे मैंने लपेटा है, इसी तरह से आप पॉलीथीन को धीरे धीरे लपेट दीजिए, और इस तरह लपेटिए कि पॉलीथीन का कुछ हिस्सा रह जाए। देखिए, मैंने इस तरह से इसको धीरे धीरे लपेटती हुई लाई हूँ कि थोड़ा सा जो पॉलीथीन का हिस्सा है वो इस तरह से रह गया है। इसके बाद जो दूसरी पॉलीथीन की हमने तह बनाई थी, उसको हम इस तरह से इसमें लगा देंगे, और लगाने के बाद इसको भी हम इस तरह से मोड़ देंगे। तो इस तरह से हम सारी पॉलीथीन को इसमें मोड़ देंगे, और मोड़ने के बाद ये छोटा सा इस तरह से गोल, ये गोला बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, मैंने 7-8 पॉलीथीन को इसमें रैप किया है। आपके पास जितनी भी पॉलीथीन हो, उतनी पॉलीथीन आप इसमें लपेट सकती हैं। तो देखिए, इतनी पॉलीथीन को मैंने इसमें लपेट दिया। लपेटने के बाद कुछ इस तरह से ये बनकर तैयार हो गया है। फिर हमने जो बॉक्स में ये छोटा सा होल किया था ना, उस बॉक्स को लेंगे और बॉक्स में हम इसको रख देंगे। लेकिन ये जो ऊपर का हिस्सा हमने खाली छोड़ा था ना, उसको हम इस छोटे से होल से बाहर निकाल देंगे और बॉक्स को बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से, अब जब भी आपको पॉलीथीन की ज़रूरत पड़े, आप इसमें से खींचिएगा इस तरह से। देखिए, एक पॉलीथीन आपकी निकल आई और दूसरी का सिरा थोड़ा सा ऊपर को आ गया। तो इस तरह से आप अपनी पॉलीथीन की जब भी ज़रूरत पड़े आप इस तरह से निकाल लीजिएगा। आपकी पॉलीथीन इधर उधर मारी नहीं फिरेगी, और ना ही आपको इधर उधर उसको ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको जब भी पॉलीथीन की ज़रूरत पड़े आप इस तरह से उसको निकाल लीजिएगा। देखिए, ये हमारा चश्मा है, और चश्मे पे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, तो उसको अगर हम किसी भी कपड़े से साफ़ करते हैं तो उतना साफ़ नहीं होता है कि जितना हमें साफ़ चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आप फ्रीज़र को खोल लीजिएगा, और खोलने के बाद आप चश्मे को 2 मिनट के लिए अपने फ्रीज़र में रख दीजिएगा। और रखने के बाद मैं बताऊँगी कि आपको क्या करना है। फ्रीज़र को बंद कर दीजिएगा, और देखिए 2 मिनट बाद मैंने फ्रीज़र को खोला है और चश्मे को निकाला है। तो चश्मे पे देखिए मक्षर जमा हो गया। तो देखिए, अब हम चश्मे को साफ़ करेंगे तो हमारा चश्मा अच्छे से साफ़ हो जाएगा। इसके बाद हम ले लेंगे कोई भी कॉटन का कपड़ा, या जो चश्मे को साफ़ करने वाला जो कपड़ा होता है उसको हम ले लेंगे। और देखिए, मैंने ये 2 मिनट रखा, 2 मिनट में देखिए कितने इस पर बर्फ़ जैसा जम गया, लेकिन अब ये चश्मा बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएगा। लेकिन चश्मे को कभी भी आपको साफ़ करना हो तो चश्मा हमेशा खोल कर साफ़ करना चाहिए, बंद चश्मे को कभी साफ़ नहीं करना चाहिए। उसका जो लेंस निकलने का डर रहता है, साथ ही चश्मा टूटने का भी डर रहता है। तो देखिए, इस तरह से मैंने चश्मे के जो कपड़ा होता है एकदम सॉफ्ट होता है, उसे चश्मे को साफ़ किया, एकदम साफ़ हो गया और लेंस बिल्कुल चमक गया, जैसे अभी अभी हमने नया लेंस लगवाया। तो इस तरह से आपको चश्मा साफ़ करना हो तो आप उसको फ्रीजर में रख दीजिएगा, 2 मिनट बाद उसको निकालिएगा, आपका चश्मा एकदम साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल नया हो जाएगा और नई जैसी उसमें चमक आ जाएगी। तो आपको ये सारी टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, हैप्पी दिवाली।